मेरा और स्पिरिचुअलिटी का बहुत पुराना नाता है. सो नेवर क्वेश्चन माय आइडियाज एंड माय थॉट्स बिकॉज़ आई हैव बीन प्लेग्ड विद स्पिरिट्स सिंस बर्थ. स्क्रीन में आया मदद को प्रिया दूरी आया मुझे गले से लगाया मदद को प्रिया दूरी आया. ये है एक प्रियाल थोड़ी सर्टिफाइड हुड क्लासिक. एंजॉय द वीडियो. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट वगैरह चल रहा है तो इसका इफेक्ट इन रियल लाइफ भी दिख रहा है. पहले लोग नशे करने के बाद कैसे म्यूजिक बजाने में या फिर फूड मंगाने में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अभी सबको ज्ञान चोदने का है. भाई मंकी लोगों ने ना श्रूम्स किया, फिर वो लोग ह्यूमन बींग्स बने, उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया ना, तो ये वीकेंड अपन श्रूम्स करते हैं क्या? अरे भाई तूने दो दिन में जितना गांजा फूका ना उतने में तेरा पीनियल ग्लैंड क्या, तेरे को भगवान दिख जाना चाहिए था. नहीं दिखा है, यही तेरे लिए बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहनी चाहिए. ये श्रूम स्विम्स करके कुछ एक्टिवेट नहीं होने वाला है, थोड़ा ऑक्सीजन भी करो. हाँ पेड़ वेड़ जाके सूंघो बाहर. ये नहीं, ये नकली है, मेरे को ऑक्सीजन उतना पसंद नहीं. एनीवे स्पिरिचुअलिटी. सो रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट पूकी महाराज एंड आई फील लाइक ही इज माई स्पिरिट एनिमल. आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं उनकी काफी बातों के साथ सहमत भी हूँ. ये क्लिप देखिए. ये क्लिप कहाँ पे देखूँ भेंचो? मेरा फोन वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है और ये फोन पे तो देख सकता हूँ. मेरे पास दो फोन है भेंचो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एक बात बताएं, आप सबके साथ बैठा ना करो, बैठने उठने में भी ना स्टेटस बढ़ता या घटता है. बोलो हाँ या ना. यस. कैसे? आप शराबियों के बीच में बैठ जाइए, आप भले शराब मत पियो, मैं आपको शराबियों के बीच में बैठा हुआ मिल जाऊं, भले मैं शराब नहीं पी रहा हूं पर मैं बैठा हुआ मिल जाऊं तो थोड़ी देर के लिए आप क्या समझेंगे? बाबा जी भी पीते हैं. अरे महाराज जी शराबियों के साथ बैठे हैं? हाँ. लेते होंगे. जेम्सन्स 100%. आई एग्री विद दिस 100%. डोंट बी फ्रेंड्स विथ वीक पीपल, बी फ्रेंड्स विथ स्ट्रॉन्ग बुलीज. क्योंकि बुली करने वालों में ना कॉन्फिडेंस रहता है कि उनको कोई बुली नहीं कर सकता. एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ. बट इफ यू आर फ्रेंड्स विद अ फेलियर बुली, जो अपने विक्टिम्स से काउंटर बुली हो जाता है, लोग तुम्हें भी हल्के में लेंगे. फिर जो चीज कर रहे हो भले गलत भी कर रहे हो तो वो भी ठीक से करो, वरना मत करो. लाइक ही नहीं है तुम्हारी, तुम न्यू प्लेस में हो, तुम्हारे सोशल क्रेडिट्स वो जगह पे डाउन है, ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर सोशल एंग्जाइटी है, तो वहां पे जाके अगर तुम उंगली करोगे, हरकतें करोगे तो पेले जाओगे. टू बी स्ट्रांग इज टू नो योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस, बिकॉज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर द सेम थिंग बट ऑन पोलर अपोजिट्स. एंड द थिंग अबाउट पोलैरिटी इज तुम दोनों चीजों में हॉप ऑन कर सकते हो, कभी इस पे कभी उस पे. द स्ट्रॉन्गर यू हेट द स्ट्रॉन्गर यू कैन लव. जितने अच्छे तुम इंट्रोवर्ट हो उतने अच्छे ही तुम एक्सट्रोवर्ट भी बन सकते हो. इट्स ऑल अबाउट वॉन्टिंग टू डू इट एंड ट्राइंग टू डू इट. कष्ट करोगे तभी फल मिलेगा, रोल करोगे तभी जॉइंट मिलेगा. अब तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो वो थोड़ी ना खुद को रोल करने वाला है. आज से मेरी वीडियो देखने वाला कोई भी प्रियाल विक्टिम नहीं बनेगा, हम बनेंगे बुल्लीज. एक और प्रजाति है जिनसे आपको दूरी बनाई रखनी चाहिए, मिड पीपल. देखो मिड पीपल, मेन और वुमेन, दे आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, सो दे विल टेक एवरी चांस टू ब्रिंग यू डाउन जस्ट सो यू कांट आउटशाइन देम. अगर तुम्हारे दोस्त मिड है तो वो तुम्हें एडवाइस भी ऐसे देंगे जिससे कि तुम मिड बने रहोगे. ये ब्रोस्प्लिट वगैरह अच्छा नहीं रहता यार, साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करनी चाहिए तेरे को. भाई मैं आर्ट्स का हूँ ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए तेरी साइंस वाली बॉडी, मैं करूंगा ब्रोस्प्लिट. आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट वॉट मेक्स यू फील गुड. ठीक है, मस्त पंप आ गया, दो तीन फोटो खींच लिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट आ गया, मेरा वैलिडेशन मेरे को मिल गया, फीडबैक लूप कंप्लीटेड. क्योंकि लाइफ में बाकी भी काम है भाई, मैं वही एक्सरसाइज करता हूँ जिनको करते वक्त मैं आईने में अच्छा दिखता हूँ. एनीवे टॉपिक से हम हट गए, लेट्स गेट बैक टू इट. आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट, बिस्कुट. बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट. विस मतलब पॉइजन, जहर की किट. मींस बिस्किट. मैंने इस वीडियो पे बहुत सारे मीम्स देखे, बहुत सारे लोगों को हंसते हुए देखा, लेकिन दिस इज वेरी ट्रू. आंसर भले ही थिन एयर से क्रिएट हो रहा है लेकिन बात तो सही है. अगर चाय के साथ तुम एक तो बिस्किट डुबो के खा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन लेट्स बी रियल, आजकल के बच्चे लोग भाई दूध के ग्लास के साथ अक्खा अक्खा पूरा चमटा देते हैं और माँ बाप लोग खुश है भाई, हाँ एटलीस्ट दूध तो पी रहा है. अरे दूध पी रहा है लेकिन आधा किलो मैदा गया उसने, उसका क्या? क्या आलसी रहेंगे भाई आजकल के माँ बाप लोग. चपाती वगैरह बनाओ ना, नहीं तो भाकरी बनाओ चाय में डुबो के खाने को. एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लिप. स्नान के समय निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, घर पर भी अपने कमरे में भी स्नान निर्वस्त्र होकर ना करें,
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर में वस्त्र होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान अपराध माना गया। वरुण देवता नाराज होते हैं, देवता नाराज होते हैं, हर समय आपको कोई देखता है, समझो। नेचर नाराज हो जाएगा या भगवान नाराज हो जाएगा, ये सब ठीक है, लेकिन मोस्टली तो जिसने भी कैमरा लगाया है उसको कंटेंट मिल जाएगा। इसके लिए बाबा जी कह रहे कि प्रिकॉशंस लो। द वर्ल्ड इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर हम ही है जो अपने आप को इस दुनिया से बचा सकते हैं। मेरा जिम जाने का यही मोटिवेशन है भाई। अगर मैं कोई चेंजिंग रूम में जाता हूँ और उधर हिडन कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो जब भी मैं नंगा हो रहा हूँ, कपड़े निकाल रहा हूँ, तब मेरा सब कुछ तना हुआ रहना चाहिए, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, सब कुछ। देखने वाले को भी मजा आना चाहिए। पिक्चर परफेक्ट, इफ यू थिंक यू आर नॉट पिक्चर परफेक्ट, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो तुम्हारी नंगी तस्वीरें खींचो और मेरे को भेजो। यदि एक पत्थर मैं आपके सिर पर मार दूं, तो आपका सिर फूट जाएगा। एक सीढ़ी के ऊपर पत्थर रख दो तो वो दूसरी सीढ़ी बन जाएगा और हमें ऊपर पहुंचाने के काम पे आ जाएगा। क्यों जी? वो पत्थर सिर तोड़ सकता था, वही पत्थर आपकी सीढ़ी भी तो बन सकता है। बस बनाने का तरीका है, आप उसका प्रयोग सिर तोड़ने के लिए करते हैं या सीढ़ी के लिए करते हैं, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। इरशाद इरशाद बाबा जी। सो बेसिकली इग्नोर द नेगेटिव एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव, यही कह रहे हैं बाबा जी। ब्लिसफुल इग्नोरेंस, खुश रहोगे तुम। ब्लिसफुल इग्नोरेंस इज अगर आपका पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत किसी के फोटो पे लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो उनका प्रोफाइल जाके स्टॉक ना करना। ब्लिसफुल इग्नोरेंस इज ऑल्सो नॉट पीपिंग देयर फोन जब उनको कोई नोटिफिकेशन आता है। एंड इफ यू कैच यूर सेल्फ डूइंग इट बार बार, तो आपको भी पता है कि कुछ फॉल्ट है। सो जस्ट लेट इट गो। अगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं हो रहा है तो भूल जाओ, इग्नोर इट, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस। अरे फर्स्ट डेट पे चाहिए मेरे को फोन का पासवर्ड, फिर मैं चेक करूंगा 2019 से लेकर अब तक की सारी चैट्स। हो गया भाई मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट करके बहुत बार, अभी टाइम नहीं है मेरे को। पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, वेब ब्राउजर हिस्ट्री, कौन से कुकीज एनेबल्ड है, मोस्ट यूज्ड एप्स, प्राइवेट नोट्स, लॉक नोट्स, जो ट्रिप्स पे गए हो उनका स्प्लिट वाइज का ग्रुप होगा, उसमें किसने किसके लिए क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है, सबके डिटेल्स चाहिए। सी हार्ट इज द मोस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गन। जब ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं माँ के पेट में, तब हार्ट ही है जो सबसे पहले डेवलप होता है। ब्रेन से भी पहले, जो कि अपना मेन सर्किट है, उससे भी पहले अपना दिल डेवलप होता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है अपना दिल, और जितने बार इस दिल पे वार होंगे ना, उतना ही वो ट्रॉमेटाइज होता जाएगा, हील हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन जो ट्रॉमा हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी हार्ट में, उसका क्या करोगे? सो आई डोंट केयर इफ इट्स टॉक्सिक, मेरे को करना है मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट, तो मेरी मांगे पूरी करो, वरना फिर आगे बढ़ो। मामला बहुत सीरियस हो गया यार। मौज मस्ती के साथ कभी कभी ना सीरियसनेस और कॉन्शियसनेस करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अपने में और एनिमल लोगों में क्या फर्क। मजाक कर रहा हूँ यार, पूरा वीडियो मजाक था, कुछ भी चीज सीरियसली मत लो। हाँ, फुल एंजॉय करो, अपना बस टाइम पास है, लाइफ में क्या कुछ सीरियसली नहीं लेने का रहता। अभी मैं थोड़ा ना मुंबई जा रहा हूँ, तो पैकिंग वैकिंग चल रहा है इधर, ये देखो। बैंगलोर को मैं बाय बाय कह रहा हूँ परमानेंटली। मैं यहाँ पे, मैं बैंगलोर में एक 1.5 ईयर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं दोनों सिटीज़ में, बैंगलोर और मुंबई में कंपैरिजन ड्रॉ करूँ, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।